सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में स्टोरी में आप किसी का भी प्लेटफॉर्म का आप लिंक ऐड करते हो, तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी में मैं यूट्यूब का लिंक ऐड किया हूँ। तो दोस्तों, आप भी कुछ इस तरह से आप लिंक ऐड करते हो, लिंक ऐड करने के बाद आगे वाला बंदा आपको उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर देता है। तो इस तरह से लिंक पर क्लिक करने के बाद वो रीलोड होकर क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो रीलोड होने का बहुत ही टाइम लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता देता हूं तो इंस्टाग्राम स्टोरी में लिंक ऐड करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो होने वाले, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो व्यूज भी नहीं मिलता और लाइक्स भी नहीं मिलता और आपको सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो क्रोम ब्राउजर में एप्लीकेशन में ओपन हो जाता है, उसमें वर्क नहीं करता, तो डायरेक्ट लॉग इन करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो में मैं सही तरीका बताने वाला हूं। उस लिंक को आप लगाने के बाद डायरेक्ट यूट्यूब ही ओपन हो जाता है। आप किसका प्लेटफॉर्म का, किस एप्लीकेशन का लिंक आप डालते हो, उसी एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसी तरह का आपको ट्रिक्स एंड टिप्स रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में रेगुलर आपको मिलता रहता है। सो दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो एक स्टेप आप स्किप किए तो आपको पता नहीं चलता, तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी में आप लिंक ऐड करने का सही तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी कोई भी लिंक है तो वो लिंक को आपको कॉपी कर देना होगा। तो सिंपल सा मैं यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देता हूँ, इसके लिए मैं यूट्यूब ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे लोगों के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यूअर चैनल पे जाके इस लिंक को, इस चैनल का लिंक मैं कॉपी कर देता हूँ। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देख सकते हो 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको शेयर पे क्लिक करके इस लिंक को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं डालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। तो इस तरह से मैं क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा ऐप ओपनर, तो इस तरह से आपको क्लिक कर देना होगा। तो ऐप ओपनर करके इस तरह से आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एक फर्स्ट में एक वेबसाइट मिलेगा, उस वेबसाइट के आपको ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो ये डायरेक्ट पेज ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, ये लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आपको ये लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हो। तो सिंपल सा आपको इस तरह से आपको कॉपी किया था ना लिंक, आपको इधर पेस्ट कर देना होगा। सिंपल सा मैं इस तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से मैं पेस्ट कर चुका हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, स्पॉट लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा आपको उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चर मिलेगा, कैप्चर को फिल कर देना होगा। तो इस तरह से आपको कैप्चर मिल जाएगा। तो मैं आप देख सकते हो इस तरह से मैं कैप्चर को फिल कर देता हूँ। तो वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से, तो इस तरह से मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपका लिंक क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हो, प्लीज़ वेट करके आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको करना होगा। करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा वेट कर देते हैं, लोडिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हो लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो साइड में आप देख सकते हो कॉपी लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा आपको एक लिंक को इसको कॉपी कर देना होगा। तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर देना होगा। तो ओपन करने के बाद आपको स्टोरी लगाना है, तो आपको क्या करते हो, तो सिंपल सा आपको प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद स्टोरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अभी क्या करना होगा, कोई भी एक इमेज को आपको ऐड करना होगा। सिंपल सा मैं कोई भी एक इमेज लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं एक इमेज लेता हूँ। तो लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, स्टिकर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको इस नीचे की साइड में आपको एक लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद इस लिंक को इधर पेस्ट कर देना होगा। तो इस तरह से आप पेस्ट करने के बाद नीचे की साइड में आपको कस्टमाइज स्टिकर का टेक्स्ट एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके यूट्यूब वीडियो इस तरह से आपको टाइप कर देना होगा। मैं टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं YouTube वीडियो करके इस तरह से टाइप कर चुका हूँ। टाइप करने के बाद सिंपल से आपको डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से आपको लिंक ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद फिर से आपको स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्या करो, सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक इस तरह से आपको टेक्स्ट को आपको टाइप कर देना होगा। तो इस तरह से मैं टाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद कोई भी एक स्टिकर को आप कौन सा अच्छा लगता है वो आपको
लेना होगा स्टिकर को। तो मैं इस सिंपल से आपको इस लेता हूँ, इस तरह से मैं लेता हूँ। तो इस तरह से आपको ऐड कर देना होगा, क्लिक हेयर इस तरह से टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद फिर से आपको स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा आउट नाउ, इस तरह से आपको लिखना होगा OUT आउट नाउ, इस तरह से आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आपको टाइप करके आपको सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद आपको नीचे की साइड में आपको बहुत सारे आपको स्टिकर मिल जाएगा, कोई भी एक टेस्ट को आपको इसमें स्टिकर को ऐड कर देना होगा। इस तरह से आपको ऐड कर देना होगा, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो इस तरह से आप करके सिंपल से आपको इसको शेयर कर देना होगा, आपकी स्टोरी लगा देना होगा। तो इस तरह से आप स्टोरी को शेयर करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उस लिंक के क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन होता है या आपको यूट्यूब चैनल ओपन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा मैं वही पोस्ट ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से लिंक ऐड हो चुका है। सिंपल से आपको क्या करना होगा, लिंक के ऊपर आप क्लिक करके विजिट लिंक पे ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो रीलोड हो रहा है। तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कंटिन्यू टू द लिंक इस तरह से आपको आ जाएगा। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल ही ओपन हो चुका है, देख सकते हो मिस्टर अभिटेक। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से आपको सही तरह से इस तरह से आप इंस्टाग्राम पे लिंक ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देखा ना कैसे आप इंस्टाग्राम पे सही तरीके से आप इंस्टाग्राम लिंक ऐड कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी तक आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इसी तरह का आपको ट्रिक्स एंड टिप्स रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में रेगुलर आपको मिलता रहता है। सो दोस्तों आपकी कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के बारे में या तो आप एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में कोई भी आपको परेशान आ रहा है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक कोई फॉलो नहीं किया तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके फॉलो कर सकते हो। उधर भी आपको नए अपडेट के बारे में मैं बताता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।